सामना कर रही है उनमें सबसे बड़ी और अहम समस्या आतंकवाद है। आतंकवाद के कारण हजारों लोगों को दुनिया में अपनी जान गंवानी पड़ी है और भारत समेत कई देशों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। आतंकवाद जैसी समस्या से निपटने के लिए भारत ने 21 मई का दिन ही इसको समर्पित कर दिया है। हर साल 21 मई को पूरे देश में आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। इसका मकसद लोगों को आतंकवाद के समाज विरोधी कृत्य से लोगों को अवगत कराना है। आतंकवाद की वजह से लोगों को जान माल का कितना नुकसान उठाना पड़ता है उससे भी लोगों को अवगत कराया जाता है। 21 मई को ही क्यों मनाया जाता है आतंकवाद विरोधी दिवस? 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। उनकी हत्या के बाद ही 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया गया। इस दिन हर सरकारी कार्यालयों, सरकारी उपक्रमों और अन्य सरकारी संस्थानों में आतंकवाद विरोधी शपथ दिलाई जाती है। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के बारे में, भारत में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस प्रतिवर्ष 21 मई को मनाया जाता है। इस दिवस के शुभ अवसर पर कॉलेजों, स्कूलों में आतंकवाद पर चर्चा की जाती है। आतंकवाद के कारण देश के लोगों के मनों में भय पैदा होता है। आतंकवाद सोच मनुष्य के जीवन को बर्बाद कर देती है। भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय आतंकवाद विरोध दिवस इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि भारत सरकार आतंकवाद को खत्म करना चाहती है। इस उद्देश्य को लेकर भारत सरकार आतंकवाद के खिलाफ निरंतर कार्य करती है। आतंकवादियों के द्वारा किए गए आतंकी हमलों को हम कई बार देख चुके हैं। आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। आतंकवादी निर्दोष प्राणियों को मारकर लोगों के मन में भय पैदा करते हैं। आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाने के उद्देश्य और विश्व के सभी देशों को आतंकवाद के खिलाफ जागरूक करने के उद्देश्य से भारत देश में प्रतिवर्ष 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। आतंकवादियों के द्वारा जो हमला किया जाता है, आतंकवादियों के द्वारा जो गोलियां चलाई जाती है, वह गोली किसी व्यक्ति की धर्म जाति पूछकर नुकसान नहीं पहुंचाती। जिस व्यक्ति को भी आतंकवादी की गोली लगती है वह तुरंत मौत के घाट उतर जाता है, जिसके कारण उसका परिवार तबाह बर्बाद हो जाता है। आतंकवाद विरोधी दिवस के शुभ अवसर पर आतंकवादियों के पुतले जलाए जाते हैं। जो लोग आतंकवाद की जड़ों को फैलाने में लगे हुए हैं वह समाज के लिए खतरनाक है। जब भारत देश में मुंबई शहर के ताज होटल, रेलवे स्टेशन और हॉस्पिटल में आतंकवादियों के द्वारा हमला किया गया, धुआंधार गोलियां चलाई गई, तब आतंकवादियों के हमले के कारण कई लोगों की जान चली गई। ताज होटल पर गोलाबारी करके आतंकवादियों ने ताज होटल को तहस नहस कर दिया था। जब आतंकवादियों के द्वारा ताज होटल में हमला किया गया तब ताज होटल में भारत देश के लोग ठहरे हुए थे। भारत देश के यात्रियों के साथ साथ विदेशों से भारत घूमने आए हुए पर्यटक भी मौजूद थे, जिन लोगों को आतंकवादियों के द्वारा मार दिया गया था। आतंकवाद वैश्विक दुनिया में एक वायरस की तरह है। आतंकवाद को मिटाने की जिम्मेदारी सभी की है। आतंकवादियों की कोई सामाजिक जिम्मेदारी नहीं है। वे दुनिया में हिंसा पैदा कर सकते हैं और दुनिया के देशों के बीच युद्ध ला सकते हैं। सामाजिक चेतना, वैश्विक नियम, विनियम और अर्थव्यवस्था आतंकवाद को रोकने में बदलाव ला सकते हैं और इसे ऐसे लोगों द्वारा मिटा दिया जाना चाहिए जो भविष्य देखते हैं, बिना वायरस और स्वस्थ होंगे। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण क्रोध, शायद ही आश्चर्य की बात है,
हमारे हाल के इतिहास में आतंकवादी घटना उच्च नाटक की याद दिलाती है और अक्सर त्रासदी है, जिसने ध्यान आकर्षित किया है और जनता के डर को दूर किया है। आतंकवाद समकालीन इतिहास और समकालीन जागरूकता की एक केंद्रीय विशेषता है। सामान्य ज्ञान की आवश्यकता यह है कि वे एक दूसरे को जानकारी साझा करके हिंसा को रोक सकते हैं और दुनिया में राष्ट्रों की रक्षा कर सकते हैं। यह तब संभव हो सकता है जब दुनिया के सभी देश सहयोग करें। आमतौर पर आतंकवाद आतंक बनाने और कम करने के लिए है। देश की आर्थिक और आर्थिक रूप से वृद्धि आतंकवाद को रोकने में अर्थशास्त्र प्रमुख भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए, आतंकवादी हमलों को रोकने के लिए अनुदान प्रदान करना, यह आतंकवादी को खोजने में मदद कर सकता है, विशिष्ट तरीके से रक्षा और प्रतिक्रिया कर सकता है या खतरों से उबर सकता है। राज्य और स्थानीय आपातकालीन सुधार, प्रत्येक देश को अपने धन के स्रोत में कटौती करनी चाहिए, जैसे कि आतंकवादी अवैध व्यापार, तस्करी और नकली मुद्रा से अपनी गतिविधियों को वित्त पोषण करते हैं। इसे नियंत्रित करने के लिए विश्व स्तर पर समन्वित कार्रवाई। आतंकवाद विरोधी दिवस मनाने का मकसद शांति और मानवता का संदेश फैलाना, आतंकी गुटों और वे कैसे आतंकी हमलों को अंजाम देने की योजना बनाते हैं उसके बारे में लोगों के बीच जागरूकता पैदा करना, लोगों के बीच एकता को बढ़ावा देना, युवाओं को शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करना ताकि वे आतंकी गुटों में शामिल न हो। देश में आतंकवाद, हिंसा के खतरे और उनके समाज, लोगों और पूरे देश पर खतरनाक असर के बारे में जागरूकता पैदा करना। जय हिंद, जय भारत।